नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। यह दुर्घटना कोटा जिले के अयाना थाना क्षेत्र के पास मध्य प्रदेश के ललितपुर गाँव के नज़दीक देर रात हुआ है। मृतक में 50 वर्षीय जगदीश, उनके 12 वर्षीय पुत्र हर्ष और 19 वर्षीय भतीजा हर्ष शामिल है। जानकारी के अनुसार जगदीश और उनके परिवार के सदस्य बड़ौदा में एक रिश्तेदार के शोरूम के उद्घाटन में शामिल होने के बाद अपने घर लुहावद लौट रहे थे। जब वे ललितपुर के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार निजी बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीनों की घटना स्थल पर मौत हो गई। रिश्तेदार ने ईवी बाइक और स्कूटर का शोरूम खोला था। जगदीश के परिवार के सदस्य ने बताया है कि जगदीश ने 2 महीने पहले बड़ौदा में एक ईवी स्कूटी शोरूम खोला था और वे नियमित रूप से रोजाना 40-45 किलोमीटर यात्रा किया करते हैं। सोमवार को उनके रिश्तेदार के शोरूम का उद्घाटन था जिसमें वे और उनके परिवार के सदस्य शामिल होने गए थे। उद्घाटन के बाद रात को वे वापस लौट रहे थे, लेकिन ललितपुर के पास हुई दुर्घटना ने उनकी जिंदगी समाप्त कर दी है। अयाना थाना SHO श्याम सुंदर ने पुष्टि की है कि मृतक लुहावद के निवासी थे और हादसा मध्य प्रदेश में होने के कारण बड़ौदा पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस हादसे से परिवार और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार में मातम पसरा हुआ है, पूरे गांव का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। दोपहर में स्कूटर का शोरूम का उद्घाटन किया, लेकिन शाम को परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।